हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो ये मॉर्निंग टाइम है, तो आप सभी को मेरी तरफ से वेरी नाइस गुड मॉर्निंग। और तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रखा है, बस सुबह 9 बजे हुए हैं इस टाइम पर। तो मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ, बच्चे और हस्बैंड अभी सोए हुए। आज छुट्टी का दिन है, 4 अप्रैल को महावीर जयंती थी, तो हस्बैंड की छुट्टी थी, तो वो थोड़ा लेट तक सोए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे, आलू के पराठे। मैंने अभी आलू उबाले थे शाम में, तो थोड़े आलू बच गए थे नाइट में, तो 2 आलू बचे हुए थे। हम 2 ही पर्सन हैं, तो हमारे हिसाब से उनमें हो जाएगा 1 या 2 पराठे, से ज़्यादा कोई खा नहीं पाता है, हैवी हो जाते हैं आलू के पराठे। तो मैंने सोचा उसके हिसाब से मैं उसका आलू के पराठे बना देती हूँ, सुबह थोड़ा हैवी भी हो जाएंगे और नाश्ता हो जाएगा। तो बस वही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आलू छील लेती हूँ, प्याज वगैरह मैंने कट कर लिया है सब कुछ, तब मैंने पहले ही लगा के रख दिया है ताकि जब तक मैं बाकी काम करूँ तो आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, थोड़ा उसमें जो एक बोलते हैं ना, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा आटा। तो बस वही, इसीलिए मैंने सबसे पहले आटा ही लगा के रखा है ताकि उसे अच्छे से टाइम मिल जाए सेट होने के लिए। तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ यहाँ पर। और शायद कुछ लोगों को मेरी आवाज़ चेंज लगी, तो थोड़ा सर्दी जुकाम चल ही रहा है, मौसम में चेंजेस हो रखे हैं, तो वही उसी का सब शिकार हो रखे है आजकल। जिसको देखो सर्दी जुकाम हो रखा है, तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हो रखा है, काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसी की वजह से आवाज़ में भी चेंज हो रखा है। पर देखिए मैं बनाने लगी हूँ, सबसे पहले थोड़ा दूध में मलाया रखा था, मैं इसको हटा देती हूँ। फिर मुझे लगा कि प्याज थोड़ी मोटी लग रही है, मुझे शायद पराठे फट जाएंगे इससे, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा जो हैंड मैनुअल चॉपर आता है उसमें निकाल देती हूँ। फिर मैं अब इसको प्याज को उसमें मैनुअल चॉपर में डाल के थोड़ा अच्छे से क्रश करूँगी। देखिए मैं यहाँ पर इसमें डाल क्रश कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर मसाला भून लूँगी। सबसे पहले थोड़ा तेल लेंगे, इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, बाकी आपकी चॉइस है, हरी मिर्च वगैरह जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ा नहीं डाल रही हूँ, कम डाल रही हूँ, क्योंकि एल्विन भी खाता है, फिर वो मिर्ची देखकर नहीं खाता है। मैंने तो प्याज तो देखिए यहाँ पर प्याज थोड़े भुन चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर आलू क्रश करके डाल दिया है, आलू को कद्दूकस से क्रश कर दिया है मैंने। अगर मैं हाथ से फूटती तो वो अच्छे से नहीं फूटता है, फिर पराठे फट जाते हैं, उसमें दिक्कत होती है बनाने में। तो पहले थोड़ा आलू को भून लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे मसाले भाई जो भी आप डालना चाहें। वैसे तो मेनली नमक मिर्च वगैरह ये सब ही जाता है, अमचूर पाउडर मैं नहीं डालूँ क्योंकि गले में दिक्कत है मेरे, सभी के घर में दिक्कत हो रखी है, तो इस वजह से अमचूर पाउडर नहीं डालना है। बाकी आपकी मर्जी, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसको अच्छे से थोड़ी देर भून लेना है। यहाँ पर मसाला ठंडा हो चुका था, तो मैं अब आ गई हूँ उस पराठे बनाने, क्योंकि हस्बैंड भी अब उठ चुके हैं, वो नहाने गए हुए हैं, तो मैं तब तक नाश्ता बना दूँगी। मेरे से पराठे फट जाते हैं, सिंगल जो पराठे होते हैं, इसलिए मैं ऐसे 2 लोइयां बनाकर उसमें स्टफिंग भर के ही पराठे बनाती हूँ। सिंगल लोई के पराठे मुझसे नहीं बन पाते, क्योंकि मुझे इतनी आदत भी नहीं थी, मैं घर में नहीं बनाती थी खाना इतना, तो वो तो आदत नहीं है मुझे, पर धीरे धीरे सीख जाऊँगी, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इस वजह से मैं फ़िलहाल 2 लोइयों के साथ ही बना रही हूँ। यहाँ पर ये वाले पराठे मुझे अच्छे भी लगते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि किस से सिंगल पराठे नहीं बन पाते हैं सिंगल लोई से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो बस नाश्ता करने के बाद मैं बाकी के सारे काम वही नहाना धोना वगैरह किया मैंने। उसके बाद अपना यहाँ पर मैं अब से लंच टाइम में, और आज लंच में बनाया हमने अरहर की दाल, चावल, रोटी और सलाद है हमारा जो होती है आज। बस ये सिंपल सा लंच है हमारा। आइए आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा घी डाल देती हूँ इसमें, दाल में, उससे थोड़ा टेस्ट इनहेंस हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा कंफर्ट मील दाल और चावल ही होता है, जिसे खाकर संतुष्टि मिल जाती है कि आपने कुछ अच्छा खाया है। और शाम में हम आ गए थे, यहाँ पर थोड़ा पार्क है, एक ग्राउंड है, एक यहाँ पर हमारे यहाँ पे इसको गवर्नमेंट फील्ड बोलते हैं। तो बस यहीं पे ने एलविन, इसका थोड़ा मन था खेलने का, तो इसको यहाँ पर घुमाने ले आए थे। घर में बोर हो जाते हैं पूरा दिन लेटे लेटे, तो बस ये देखिए एलविन यहाँ पर, ये झूले वगैरह यहाँ पर काफ़ी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा एक्टिविटी बच्चों को देखकर कर रहा है। देखिए पहले ये जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, खुद से नहीं चढ़ पा रहा था, डर रहा था काफ़ी, लेकिन इस बार ये खुद से चढ़ रहा है। बस थोड़ा सा हम आगे से पकड़ लेते ताकि चोट ना लगे इसको। चलो, कुछ सपोर्ट नहीं है वहाँ पर रुकने की वजह से। बस यहाँ पर हमने एलविन वगैरह हम सब थोड़ा घूमे, उसके बाद हम चले गए थे घर पर बस शाम के टाइम, क्योंकि मच्छर आने शुरू हो जाते हैं फिर बाहर के एंड पर। तो आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है?